हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल राधा कृष्णा गार्डन। आज हम आपको शिमला मिर्च की हार्वेस्टिंग कराना सिखाएंगे। देखिए, आपके सामने शिमला मिर्च है। आप सभी शिमला मिर्च देख लीजिए पहले, फिर बाद में हम आपको कटिंग दिखाएंगे इसकी। कितनी मोटी मोटी शिमला मिर्च उग रखी है। आप देख सकते हैं कितनी मोटी मोटी हमारे शिमला मिर्च उग रखी है। हमारे पापा ने आपको वीडियो भी दिखाई थी शिमला मिर्च की, आपको जानकारी दी थी। जानकारी के बाद देखो कि कितने अच्छे फल आ रखे हैं। तो आज हम इन शिमला मिर्च के हार्वेस्टिंग कराएंगे। ये देखिए कितनी मोटी मोटी शिमला मिर्च है। ये एक टाइम की सब्जी बन जाएगी आलू के साथ। मुझे शिमला मिर्च बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मेरे पापा ने शिमला मिर्च लगाई थी। तो इसी तरह हम सभी पौधों की हार्वेस्टिंग कर लेंगे। तो इसी तरह हम सारे शिमला मिर्च की हार्वेस्टिंग कर लेंगे। तब तक के लिए हम वीडियो को पॉज कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने सारी हार्वेस्टिंग कर ली है। देखिए कितनी अच्छी हार्वेस्टिंग है। इसकी दो बार सब्जी बन जाएगी आलू के साथ। और आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है। हमने दो तीन बार इसकी सब्जी ले रखी है। तो इसी तरह आप भी अपने अपने छत के ऊपर ऐसे पौधे लगाइए और सब्जी लीजिए। दुकान जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ये देखिए, बाजार जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाजार में भी दवाई के मिलते हैं, ये घर के ओरिजिनल है। तो इसी तरह हम मिर्चों की भी हार्वेस्टिंग करते हैं। चलिए आइए। तो चलिए अब हम इसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। तो चलिए, ये देखिए कितनी सारी है। हमने ये उसके लिए छोड़ रखी थी, अचार हमने अचारों के लिए छोड़ रखी थी। ये देखिए, वरना ज्यादा दिन तक ऐसे रखते तो ये सूखने लग जाती सारी के सारी। तो आज हम इसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं ताकि अचार बना सके हम। तो चलिए हार्वेस्टिंग करते हैं। देखिए हार्वेस्टिंग कर लेते हैं हम इनकी। हम लाल लाल चारे तोड़ लेते हैं अचारों के लिए। हमने अचार के लिए इतने दिन तक छोड़ रखी थी। देखिए चारियों से हम कट करेंगे। देखिए, तो ऐसे आप ना ये देखिए कितनी सारी लाल मिर्ची हैं। ये देखिए, और आप अपने घर में लगाओगे तो आपको ना बेटर होएगा, क्योंकि ना घर में लगाते हैं तो वो ताजी होती है और हम खुद ही देख लेते हैं कि क्या क्या इनमें है चीजें, इसलिए हमको उसमें कोई नुकसान नहीं होता। बाजार वाली आजकल नुकसान वाली आती है क्योंकि उनमें दवाइयों का यूज होता है। तो ये घर की नेचुरल होती है। कट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, तो इसी तरह हम सारी मिर्चे को काट लेंगे। तो तब तक के लिए वीडियो को पॉज कर लेते हैं। तो ये देख लीजिए, ये देखिए कितनी सारी मिर्ची आ गई है हमारे पास। और ये जब घर के अंदर होती है इतनी सारी मिर्चे, और इनमें से कोई कच्ची भी है कोई पक्की भी है। और ये देखिए कितनी अच्छा है। अगर घर में आप ऐसी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, और ये नेचुरल होती है जिससे आपको डर भी नहीं लगता कि इसमें जुकाम हो सकती है। केमिकल बिल्कुल नहीं है क्योंकि आप खुद देख सकते हो। ये देखिए शिमला मिर्च भी है। ये देखिए कितनी सारी मिर्ची हमने हार्वेस्टिंग कर ली है, और कितनी सारी शिमला मिर्च, मिर्चियाँ बहुत सारी हैं। और ये दो तीन बार की सब्जी है, ये शिमला मिर्च के आलू के साथ दो तीन बार सब्जी है। मेरे को भी बहुत ज़्यादा पसंद है दो तीन बार इनके ऐसे खाने में, फिर हम भी खा लेंगे। तो ये देखिए कितनी सारी है। तो ये देखिए, ये हमारे ना अचार के लिए। देखिए अचार बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा, और महीने दो महीने तक ये आराम से चल जाएगा। ये देखिए कितनी सुंदर है। और ऐसे हम वातावरण को भी शुद्ध बना सकते हैं। तो इसी तौर पे धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करना ना भूलिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।